हेलो एवरीवन वेलकम टॉप सिंपलीफाइड सो सीजी सेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा सो लेट अस सी दिस यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है आपका थर्टीन मे से स्टार्ट हो जाएगा दैट इज़ फ्रॉम मंडे एंड जो लास्ट डे रहेगा फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका रहेगा नाइन जून दैट इज संडे एंड जो डेट है एग्जाम डेट दे रखी है इन्होंने सेवन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑन सनडे और टाइमिंग भी दे रखी है दैट इज पेपर वन के लिए दस बजे से ग्यारह बजे तक एंड पेपर टू जो रहेगा वो इलेवन थर्टी टू वन थर्टी रहेगा यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं आठ एग्जाम सेंटर्स रहेगा अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर रायपुर दंतेवाड़ा कांकेर और जसपुर नाउ कमिंग टू द एग्जाम फीस सो जो छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जाम फीस पे नहीं करना है एंड द स्टूडेंट्स आउटसाइड द छत्तीसगढ़ दे हैव टू पे रुपीज सेवन हंड्रेड ओके एंड पेमेंट जो रहेगा इट इज डेबिट कार्ड ए टी एम कार्ड क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से हो जाएगा नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंटेज होना चाहिए एंड जो कैंडिडेट्स लास्ट ईयर में है वो भी एलिजिबल है फॉर द एप्लीकेशन नाउ इफ वी सी कि कौन कौन से पेपर होने वाले हैं सो दो पेपर रहेगा पेपर वन जो कि सारे कैंडिडेट्स के लिए रहेगा विच विल बी कंपल्सरी एंड पेपर टू रहेगा जो, जो की आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा दट इज नाइनटीन सब्जेक्ट यहाँ पर है जिसमें से आपको अपना एक सब्जेक्ट चूज करना हो सब्जेक्ट्स दे रखे यहाँ पर जैसे की हिंदी इंग्लिश पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी हिस्ट्री जोग्राफी फिजिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस केमिकल साइंस लाइफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन कॉमर्स लॉ संस्कृत साइकोलॉजी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस सो पर दो पेपर रहेंगे एंड इट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो पेपर वन में हंड्रेड मार्क्स का रहेगा इसमें फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे जो कि सारे कंपलसरी है एंड इट विल बी फॉर वन आर टेन ए एम टू इलेवन ए एम एंड पेपर टू रहेगा इट इज ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड क्वेश्चन रहेगाक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है वो है टॉप सिक्स परसेंटेज ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट हुआ पेपर टू बोथ एंड सिक्योर एट एटलीस्ट फोर्टी परसेंटेज मार्क्स In both papers taken together for candidates belonging to general category, and at least 35% aggregate marks for candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC, and PWD and transgender will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government. So this was all about CG set 2024 exam. Thank you.